देखो बच्चों, एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, कह रहा कोई ऑब्जेक्ट है जो 50 किलोग्राम का है और वो 15 स्टेप जब चढ़ता है ऊपर की तरफ, तब उसका बताना है पावर कितना होगा। बच्चों एक स्टेप की जो दूरी है कितना, 15 मीटर है, सॉरी 45 स्टेप। तो देखो बच्चों, सबसे पहले निकालो उसने कितनी दूरी तय की, हाइट निकालो पहले आप, एच देखो बच्चों, एम का मान दे रखा है, जी का मान दे रखा है, एच का मान दे रखा है, तो इससे आप निकालोगे वर्ग। बच्चों पावर कितना होता है, वर्ग अपान टाइम। तो वो टाइम कितना देखा, 9 सेकंड। ठीक है बच्चों, तो ये आपके घर क्या आ जाएगा, 9×5=45। बच्चों देखो ये आ गया आपका 15×250। ये दोनों आप मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा आंसर, किसमें आएगा बच्चों, ये जूल पर सेकंड। देखो बच्चों मल्टीप्लाई करने पर इतना आएगा, 37500 जूल पर सेकंड। बच्चों क्या आ गया, पावर। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था ये बच्चों। एक बार क्या था, एक कोई ऑब्जेक्ट था जिसका वेट 50 kg था, वो 45 स्टेप की सीढ़ी पर चढ़ता है, बताना उसका पावर कितना है। बच्चों देखो पहले कितनी हाइट पे गया, तो बच्चों हाइट कितनी निकाला हमने, 45×50, क्योंकि एक स्टेप में 15 मीटर है, तो 45 स्टेप गया, तो ये आपका हाइट आ गया। अब पावर निकाला, पावर का W/T, W कैसे निकाला, mgh, इन चीजों गुणा कर दिया और टाइम से भाग दिया, तुम्हारा जूल पर सेकंड आंसर आ गया, ये हमारा पावर है। ठीक है, बच्चे ध्यान दे। तो बच्चों ये लोग आप सवाल लगा लो, फिर हम पढ़ेंगे नया चैप्टर का से। ठीक है।